Good morning, student. Today we read chapter 6 of the political science, understanding media. कि media के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे. अब इसमें आपका first है media and technology. अब जैसा कि हम जानते हैं, vacuum से sound जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. अब जैसे कि without medium, liquid, gas, solid के बिना जो भी sound है उसके बिना हम कहीं पर भी बातचीत नहीं कर सकते हैं. ये हमें बातचीत करने में एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाने में हमारी मदद करता है, जिसमें मीडिया जो है इसका मुख्य रोल जो है वो निभाता है. जो हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर, आइडिया है, टेलीविजन, लेटर है, ये हमारे मुख्य रिसोर्स है. अब अदर मीडिया जो कि हमें बातचीत करने के लिए अलाउ करता है, जैसे कि हमारे विचार को, इन्फॉर्मेशंस को, बहुत सारे मैसेज वगैरह है वो लोगों तक पहुँचाना, वो सारा मीडिया का काम होता है, जिसको मास मीडिया कहा जाता है. मास मीडिया में इंक्लूड है टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, जनरल ईटीसी. ओके, अब इनको अलग अलग बांटा जाता है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें टेलीविज़न, रेडियो आती है, प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आती है, वेब मीडिया जिसमें इंटरनेट एंड न्यूज़ आती है, फिर बहुत से इंपॉर्टेंट शोज होते हैं, इन्फॉर्मेशन के चैनल्स होते हैं, है ना, उन सभी से हम इन्फॉर्मेशन और आइडिया, सजेशन वगैरह हम इधर से उधर पहुँचा सकते हैं. अब हम आप इसमें रियलाइज़ करोगे कि मीडिया की इम्पोर्टेंस क्या है. अगर मीडिया के बिना हम हमारी लाइफ इमेजिन करते हैं तो किस तरीके से होगा, विदाउट रेडियो, न्यूज़पेपर, बिना इंटरनेट के क्या हमारी लाइफ किस तरीके से होगी, है ना. और उसके साथ साथ हम किसी प्रकार कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है विदाउट मीडिया के हम प्राप्त नहीं कर सकते. इस लेसन में हम उन सारी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ मीडिया, कि मीडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. अब आज जो है हमें इंटरनेट ईजिली से प्राप्त होता है, जिससे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है कुछ बटन दबाने पर से ही हमें मिल जाती है, और कुछ मिनटों में ही. आज वर्ल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन की पावर जो है बहुत ईजीली से उनको एक्सेस हो जाती है. अब पहले टाइम में ऐसा नहीं था, कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उनको बहुत दिन लग जाते थे. लेकिन आज हम स्पोर्ट स्कोर देखना है, कोई भी वेदर फोरकास्ट देखनी है, तो हम इजीली तरीके से उनमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. हमें बड़ी से बड़ी न्यूज़ भी और छोटी छोटी न्यूज़ भी कुछ मिनटों में ही हमें मिल जाती है. अब ये सब बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट सेट करने पर होता है, उसमें प्रिंट भी करना होता है, ब्लैक कलर वगैरह करने में कुछ चीप भी होती है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर सेक्शन कुछ महंगे भी होती है ना. न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए व्यूज़ कमेंट्स वगैरह करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं. वहीं पर प्रिंटर्स वगैरह होते हैं न्यूज़पेपर छापने के लिए, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट करने में भी उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, जिससे और हमें एडवर्टाइजमेंट्स वो उनको प्रॉफिट मिलता है और हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है. अब आज इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो कलरफुल पेजेस हो, ये चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो. अब रेडियो का इन्वेंशन जो है वो भी एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है, जो कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और हम उन सब चीज़ों को फॉलो भी करते हैं. इसके साथ साथ ही ये हमें सॉन्ग, उसके इंटरटेनमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करता है. बहुत सारे लोग हैं जो कि मास मीडिया टूल का यूज़ करते हैं घरों के अंदर. इसके साथ साथ ही उनको इंटरेस्ट से उनको पढ़ते भी हैं, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग वगैरह हैं, और उसके साथ साथ ही छोटे बच्चे भी उनको इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं. ये हमारे लिए न्यूज़ लेके आते हैं, हमें ओपिनियंस देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें इंटरटेनमेंट देते हैं, और बहुत कम कॉस्ट में हमें ये प्राप्त हो जाते हैं. फिर हम पढ़ते हैं हमारे रोल ऑफ द मीडिया, कि मीडिया का हम क्या क्या भूमिका है. अब आज वर्ल्ड में मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि हम नीचे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कि मीडिया जो है हमें दुनिया के कौन से भी कोने के कहीं की भी हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और ये इससे हमें कहीं कभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है. सर्व एज अ पब्लिक फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. उसके साथ साथ ही जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो ओपिनियन होता है, डिस्कशन चलते हैं, उसके बारे में बताता है, ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बारे में बताता है, और अच्छे तरीके से ये हमें प्रदान करता है, जिससे हमें कई चीज़ों में ओपिनियन भी मिल जाते हैं, सुझाव भी मिल जाते हैं. डिबेट जो होती है कि प्राइस घट रही है, बढ़ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, सोशल इशूज क्या चल रहे हैं, कि है ना, जैसे कि स्कूल कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, इस तरीके से, और भी वोटर अवेलेबिलिटीज के सिटीज़ में क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इससे पता चलता है. फिर आता है आपका क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, कि हमें पब्लिक ओपिनियन भी देता है, कि मीडिया जो है वो सिटीजन्स
से ओपिनियन लेके गवर्नमेंट तक भी पहुँचाते हैं और गवर्नमेंट की चीज़ें जो है वो सिटीजन तक पहुँचाते हैं ताकि उनमें अवेयरनेस भी हो सके। फिर आता है प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, कि ये हमें इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा रहता है और हम उससे क्या रहता है थोड़ा बहुत हैप्पीली रह सकते हैं अच्छे से। फिर आता है मीडिया इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। अब मास मीडिया जो है वो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो हैं साथ में कैरी लगते हैं कि उन्हें किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना है, किस तरीके से करना है, लेकिन क्या जो मीडिया होते हैं वो मिसलीडिंग कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। अब उसी आइडिया का ओपिनियन को उनको इस तरीके से पहुंचाना होता है कि वहाँ के ऑडियंस में उनका बिलीव बना रहे, किसी की कोई गलत इन्फॉर्मेशन वो ना पहुँचाए। अब उसके साथ साथ भी और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि कोई भी वो न्यूज़ पहुंचा रहे हैं तो फेयर होनी चाहिए, किसी भी अनबेस्ड नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अदर हैंड में जाने में वो छोटी सी बात बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी ओपिनियन उनके द्वारा दिया जाता है, जो भी सोशल मैटर्स हो, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो, वो सही तरीके से हो, है ना। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर है, रिलीजन है और रीजनल से आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिक्स डाइवर्सिटीज है, एजुकेशन लेवल है और अलग अलग डिफरेंट बहुत सारे स्फेयर्स है जहाँ पर उनको रिपोर्टिंग्स करनी होती है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऑक्यूरेंस होते हैं जो कि उनको बताने होते हैं, वो सब एक मैनर बेस्ड होने चाहिए जिसमें कभी किसी की भी हार्मनी में ठेस ना पहुँचे, कि कोई कभी कोई हमारे कंट्री को हार्म ना पहुँचे, है ना। इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए अवेयरनेस कम ना हो और जो भी न्यूज़ बार बार देख रहा हो वो भी उस चीज़ से बोर ना हो, या फिर कह सकते हैं कि वो उस चीज़ किसी के भी हार्मनी को, यूनिटी को वो हर्ट ना पहुँचाए। अगर मीडिया इस तरीके से कार्य करेगी तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना होता है, उनको सेंसरशिप्स लगानी होती है। और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की सही गलत चीज़ों को भी सही करके बताती है, वो जो सही होती है वो सही बताती है, वो जो गलत होती है वो गलत बताती है, ठीक है। फिर आता है डेमोक्रेसी एंड मीडिया। अब देखो मीडिया का जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, लोगों को बोलने का अधिकार है, जाने का अधिकार है ना। इस तरीके से उस साथ साथ अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको पनिशमेंट्स का अधिकार, पनिशमेंट भी दिया जाता है। अब गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, डिस्कशन होते हैं जो कि उनको जनता तक पहुँचाने होते हैं, उन तो उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकाल रही है, पॉलिसीज निकाल रही है, तो उनको जनता तक पहुँचाने का काम मीडिया के द्वारा किया जाता है। अब गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम्स हुए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हुआ, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में मीडिया जो है वो वहाँ के सिटीजन्स को अवेयर करती है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचानी है, वो सारा मीडिया का काम होता है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों के बीच में कंटेंटमेंट्स बिठाने का कार्य भी मीडिया के द्वारा किया जाता है। मीडिया जो है बहुत सारे बिजनेस, प्रॉफिट लॉस के बारे में, एनालिसिस, उतार चढ़ाव के बारे में, सभी के बारे में मीडिया के द्वारा हमें पता चलता है। फिर आता है आपका सेटिंग एजेंडा। कि अब देखो एजेंडे का मतलब समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, वो समझेंगे। मान लो आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है। अब नॉर्मली किसी भी स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है तो वो स्कूल में नहीं बताया जाता, लेकिन अगर हाँ मान लो कि जैसे चीफ गेस्ट में कोई बॉलीवुड एक्टर आया हो, चीफ मिनिस्टर आए हो, प्राइम मिनिस्टर आए हो, तो मीडिया क्या करेंगे उस बात को बार बार बताएंगे कि इस स्कूल में प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर आए, चीफ गेस्ट के रूप में बॉलीवुड एक्टर आए। तो वो मतलब लोगों की फीलिंग में आती है कि हाँ हमें भी देखने जाना चाहिए, और वो भी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा फिट जाते हैं, है ना, उनका उनकी ओर खींचता है। तो वो तब कहा जाता है कि मीडिया क्या कर रही है, एजेंडा सेट कर रही है, कि मतलब उस चीज़ को दिखाने के लिए वो कुछ ऐसा कर रही है ताकि सभी लोगों को क्या हो, उसकी तरफ अटेंशन बढ़े। उसके साथ ही मीडिया जो है वो हाई लेवल के पेस्टिसाइड्स हुए, कोल्ड ड्रिंक्स हुए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें अवेयर करती है और हमें बताती है कि चीज़ से हम अनसेफ है, कि चीज़ सेफ है, क्या हमें कवर करना चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना है तो कोरोना में मास्क वगैरह लगा के जाना चाहिए, फेस कवर करके जाना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है मीडिया के द्वारा हमें रिपोर्टिंग्स के रूप में बताई जाती है। उसके साथ साथ ही 1000 पीपल जो होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से सफ़र होते हैं, मर जाते हैं। जैसे कि आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर की, हमें यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है सही तरीके से, तो उस चीज़ के बारे में मीडिया जो है हमें इन्फॉर्म देती है। इसके साथ साथ फैशंस के बारे में हुआ, फिर जर्नलिस्ट जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में इसको छापते हैं, है ना, उसमें प्रिंट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया के द्वारा हमें एजेंडे के रूप में बताई जाती है। गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे बहुत सारी स्टोरीज पब्लिश उनके द्वारा की जाती है, जिसको सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। या प्रेजेंट टाइम में मीडिया की जो क्लोज रिलेशनशिप होती है कि बिजनेस
जिसमें अब वो भी है, वो भी कुछ ना कुछ बिजनेस के लिए ही ऐसा करते हैं, और कभी कभी उनके बीच में बहुत डिफ़िकल्टी भी आती है जो इसके इम्पोर्टेंट है, जो कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्राप्त करनी चाहिए, वन साइड इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकती है। इसके साथ साथ ही वो उन चीज़ों का एनालिसिस करती है, क्वेश्चन पूछती है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से रिपोर्ट लेनी चाहिए, को प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन सी प्रिंट करनी चाहिए, है ना। तो वो सारी पॉइंट्स जो है उनके द्वारा देखे जाते हैं। फिर आता है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब इस इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का हमारे पास अधिकार होता है। गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2005 में ये इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट किया था, जिसमें हर सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशंस जो है वो रिसीव करने का राइट है, चाहे जैसे कि किसी चीज़ का उतार चढ़ाव, प्राइस में उतार चढ़ाव हो, है ना, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी पॉलिसीज निकल रही है, कोई भी फंक्शन कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके बारे में वहाँ के सिटीजन पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज़ के बारे में हुआ और अदर चीज़ों के बारे में भी जो है वो गवर्नमेंट से सिटीजन्स वगैरह आस्किंग कर सकते हैं। अब इंडिया का कोई भी सिटीजन्स हुआ तो RTA के तहत वो चाहे ऑनलाइन हो, पोस्ट से हो या पर्सनली हो, वो उनसे बातचीत कर सकता है, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब कुछ प्रोसेस होती है जो कि उनको फिल करनी होती है RTA एप्लीकेशंस में, जैसे कि आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट यू हैव टू सीक इन्फॉर्मेशंस, कि हम जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में तो उसके लिए अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के बारे में पूछ रहे हैं हम, है ना। फिर उसके साथ साथ ही एप्लीकेशंस में हमें इंग्लिश में टाइप्स होते हैं या फिर हिंदी में टाइप होते हैं, उस लैंग्वेज पर भी इस एरिया के अकॉर्डिंग्स करना होता है। फिर हमें उस एप्लीकेशंस पर सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट जिसको भी हम भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस लिखना होता है, और उसके साथ साथ ही ऑफिस का नेम लिखकर क्लियरली मेंशन करना होता है कि हमें RTA एक्ट के तहत हमें इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करनी है, तो उसके लिए लिखेंगे हम सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। इसके साथ साथ ही हमें उसमें जो भी रुपीज़ होते हैं, पेमेंट होता है, वो भी अटैच करना होता है, और जो भी RTA एप्लीकेशंस गई होती है तो वो उनको जो डिपार्टमेंट होता है उसको 30 days में उसका आंसर देना होता है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, तो जो अथॉरिटीज़ होती है उनको 30 days जो है उसके रिसिप्ट APL जो है वो वापस की जाती है, ठीक है। अब व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट्स, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।